हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहां जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमर वाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के कर्म में ही यहां लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहां सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहां देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक वे अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से त्रस्त व त्राही त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब मजदूर किसान बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफी जरूरत महसूस की है।
और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितेशी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल दो पार्टियों का ही एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के, खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं व अन्य मेहनत कसाम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी है। जबकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि बीएसपी व सपा यहां गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफी, कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी व चिंतित ही नजर आते हैं। इसके साथ ही इनके बिना पूरी तैयारी के, विशेषकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी ज्यादा तोड़कर रख दी गई है, जिन्हें खास ध्यान में रखकर ही वह इन लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भी किनारे करके फिर हमने आबादी व लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया है, ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को
किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी, खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।